देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर गाजियाबाद तक भक्त भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं। मंदिरों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। संगम नगरी प्रयागराज के घाट से लेकर मेरठ के मंदिर तक महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। आगरा, अमेठी, सहारनपुर, बांदा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हापुड़ और कन्नौज की तस्वीरें, जहां पर महाशिवरात्रि की धूम देखते ही बन रही है। हर तरफ रौनक, मंदिरों में, शिवालयों में भारी भीड़ लगातार देखने के लिए मिल रही है। क्या वाराणसी, क्या गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, हापुड़, हर जगह मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिली। संगम नगरी प्रयागराज के घाट से लेकर मेरठ के मंदिरों तक महाशिवरात्रि की धूम सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं और हर तरफ सिर्फ भक्त नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें चारों तरफ नजर आ रही है। भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है और तीन पहर की जो पूजा है वो हो चुकी है। तो ऐसे में श्रद्धालु भी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं, उत्साहवर्धक नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से ये लंबी लाइनें दिखाई नहीं दे रही थी। लोग घरों में रहकर पूजा अर्चना कर रहे थे, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा को भी परमिशन मिली हुई है, कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसके अलावा मंदिरों में भी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को मना रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी ज़्यादा भीड़ है मंदिरों में। बेलपत्र से लेकर रुद्राभिषेक यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का किया जा रहा है। तो ऐसी तस्वीरें देश के कोने कोने से लगातार आज सामने आ रही है। आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करने से सर्वार्थ सिद्धि योग होने के कारण सबसे उत्तम व्रत आज माना गया है। इसमें करने से स्त्री अपनी सुहाग की प्राप्ति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति प्राप्त करती है। ये भगवान भोले की वरदान है। तो कोई विशेष पूजा की जाती है, किस तरीके से जो है? आजकल आज के दिन भगवान शिव का जो है रुद्र का अभिषेक करने से भगवान प्रसन्न होकर के महाकाल के स्वरूप में उनकी अकाल मृत्यु को हरते हुए सर्वार्थ चीज का प्रयोग करते हैं और उनको सुहाग की प्रदान करते हैं। आज काल में ऐसा पूछने पर पता लगा कि जामवंत जी यहाँ पर तपस्या किए और शिवलिंग की स्थापना किया। पुराने जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में जब इसकी खुदाई करना चाहे तो इसके सतह की पता नहीं लगा पाए, हाथ थक कर शिवलिंग को छोड़कर चले गए। ये सभी जन श्रद्धालुओं के लिए बड़ा हर्षोल्लास का विषय है। सभी लोग ये चाहते हैं कि हम किसी भी रूप में, किसी तरह, जहाँ भी मौजूद हूँ, महादेव को जल चढ़ा पाएं। और आज सबसे सुंदर बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़ी सुख शांति के साथ, प्रभु कृपा के साथ, बाबा महादेव, बागेश्वर महादेव में और सारे देवी देवताओं में जहाँ जहाँ जल चढ़ना है देवताओं का, वहाँ जल चढ़ाया जा रहा है। और मेरी ओर से आप सभी को और आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा बागेश्वर महादेव के परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फागुन मास की चतुर्दशी को जब शिवरात्रि आती है तो महाशिवरात्रि कहलाती है। आज के दिन भगवान शंकर का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। आज ही के दिन मान्यता यह है कि भगवान शंकर और पार्वती का आज के दिन विवाह हुआ था और आज के दिन जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ भगवान शंकर का अभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी नगरवासियों को बाबा बागेश्वर महादेव समिति की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कोरोना को लेकर क्या व्यवस्था की गई? कोरोना को लेकर पूरे देश के अंदर अब कोरोना लगभग समाप्त हो गया है और सरकार की तरफ से भी अब कोई इस प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी नहीं है। महाशिवरात्रि में हम यही करते हैं कि ये हमारे
भारत संस्कृति में बहुत ही मेन त्यौहार माना गया है। और अब जैसे आप जानते हैं कि बांबेश्वर मंदिर तो हमारे बांदा का प्रसिद्ध मंदिर है, तो उस दिन हम सभी लोग व्रत रखते हैं और शिव जी का जितना अच्छे से होता है उतने अच्छे से पूजन करते हैं। क्या विशेषता है, क्या मांगते हैं हम लोग? जी, वरदान यही मांगते हैं, सुख समृद्धि हो सब जगह, सबका कल्याण हो, भगवान सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज महाशिवरात्रि के मौके पर लखनऊ में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। इस दौरान क्या रहा वहां का माहौल, देखिए इस रिपोर्ट में। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्ट और मनोकामना पूर्ण होती है। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में आप देख सकते हैं सुबह से ही सभी श्रद्धालु मंदिरों में लाइन लग करके अपने अपने दर्शन, अपने अपने शिव को मनाने के लिए पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। आप हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि लगातार भक्त सुबह से ही लाइन में लगकर भगवान शिव के दर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं हम इस समय खड़े हैं कोनेश्वर के मंदिर में, लखनऊ के कोनेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पर भक्त लाइन में लगकर अपने भगवान शिव को मनोकामना पूर्ण करने के लिए अरदास लगाते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन यथार्थ के साथ हिमांशु कर, न्यूज फॉर इंडिया। संत कबीर नगर की खलीलाबाद विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुबोध यादव के पक्ष में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने रोड शो कर अपने पक्ष में जनाधार जुटाने की कोशिश की। वहीं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया से खास बातचीत में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि खलीलाबाद विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। और क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, सुनिए। आम आदमी पार्टी की सैलाब उमड़ पड़ा है और जयप्रकाश यादव और संजय सिंह जो है रोड शो कर रहे हैं। रोड शो कर संजय सिंह से जानते हैं कि ये युवाओं की अंगड़ाई है, ये युवाओं के संजय जी ये जोश कैसा है युवा। बाकी पार्टियों की जमानत जब्त हो रही है। स्वर्गीय भालचंद यादव जी को श्रद्धांजलि के लिए लोग सुबोध यादव को झाड़ू पे वोट दे रहे हैं। झाड़ू चल रही है हर जगह, गांव शहर मोहल्ले में झाड़ू जीत रही है। ये युवाओं का जोश क्या कह रहा संजय जी? यही कहता है कि आम आदमी पार्टी खलीलाबाद में जीत रही है, सुबोध यादव जीत रहे हैं। तो ये सुबोध यादव का जन सैलाब है, आम आदमी पार्टी का जन सैलाब दिखाना चाहेंगे कि युवा जो है पूरी तरह से रोड शो में जो है युवाओं का जोश चढ़कर बोल रहा है और शायद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनौती दे रहा है कि ये युवाओं का जोश क्या कह रहा है। ये युवाओं का जो जोश है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जो है इशारा कर रहा है। जय सुबोध। तो आपने देखा कि किस तरह से युवाओं का बहुत यादों की भैया लहर चल रही है पूरे संत कबीर नगर में, एक तरफा माहौल है। जय सुबोध। तो सुबोध यादव या आम आदमी पार्टी की तरफ जो है युवाओं का रुझान देखने को मिल रहा है। जय सुबोध। तो ये झाड़ू तो यहाँ झाड़ू की तो आप देख रहे हैं कि तो ये युवाओं का जोश है कि ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को, एक युवाओं की एक चुनौती है। देखने वाला बड़ी बात यह होगी कि 3 तारीख को किसको यहाँ की जनता सरताज पहनाती है और किसके पक्ष में मतदान करती है, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो जन सैलाब उमड़ा है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो के समर्थन में युवाओं का, वो जो है कुछ तीसरे तिकोड़ी लड़ाई की का संकेत दे रहा है। कैमरा पर्सन अशोक कुमार और मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर। वहीं आगरा में ताजमहल के बेहद करीब से एक विमान निकला। विमान देख सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई, वहीं सीआईएसएफ के जवान और पर्यटक भी हैरान रह गए। दरअसल नो फ्लाई जोन में विमान नहीं पहुंच सकता है, ताजमहल के आसपास ड्रोन उड़ाना भी बैन है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच पड़ताल कर रही है कि हवाई जहाज आखिर कहां से आया था और इसे कौन उड़ा रहा था। तो ये वीडियो भी सामने आया है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ताजमहल के बेहद करीब से
ये विमान जो है होकर गुजरा, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट नजर आई। वहीं जो वहां पर पर्यटक थे वो भी हैरान थे, क्योंकि आसपास के दायरे में कोई भी विमान जो है वो नहीं उड़ता हुआ आज तक देखा गया है। वहीं ड्रोन उड़ाना भी पूरी तरह से बैन है। लेकिन इस बीच ये वीडियो सामने आया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। जांच भी की जा रही है कि ये विमान कहां से आया था और इसे कौन उड़ा रहा था। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद वहां रह रहे भारतीय छात्र छात्राओं में अपने घर वापस लौटे औरैया निवासी दिव्यांशु ने वहां की हकीकत बयां करते हुए कहा कि यूक्रेन में युद्ध के उस दौर को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। दिव्यांशु शेखर ने बताया कि भारतीय दूतावास के जरिए पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें भारत लाया गया, इसके लिए उन्होंने भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। वहाँ से आप लोग कब निकले थे? हम लोग उस रोड से निकले थे 27 तारीख की सुबह 9 बजे। क्या वहाँ जब आप वहाँ मौजूद थे उस समय वहाँ क्या स्थितियाँ थी, किस तरह से आप लोगों का वहाँ समय बीता, कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते? हम लोग जब वहाँ थे तो जो वहाँ की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अभी भी है। हमारे साथ के बहुत से बच्चे मतलब की घर की वगैरह में अटके पड़े हुए हैं, तो पूरी तरह से फंसे हुए थे। अभी तो फिलहाल वहाँ से निकल गए, उस रोड पहुँच गए, उस रोड से हमारी की तरफ निकल गए। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ट्रक में डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिससे डीसीएम चालक कैबिन में ही फंस गया। घटना की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में गांव के कोटेदार के घर से लाखों की चोरी हो गई। वहीं मीडिया से बातचीत में पीड़ित ने बताया कि पूरा परिवार रात में रनिहवा चौराहे वाले मकान में सोने चला गया था। वहीं जब सुबह घर पर परिवार पहुंचा तो घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और बक्से का ताला भी टूटा पड़ा था। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। चोरी हुआ है सर, हमारे घर चोरी हुआ है। शाम को हम लोग इधर से खाना बना करके खा करके हम लोग एक सड़क पे, हमारी नई मकान है, हम लोग पूरा वहाँ चले गए सोने के लिए। हमारी माता जी अकेले यहाँ सोई थी और हम लोग सुबह उठ करके 4 बजे जब आए तो पता चला हमारे घर में चोरी हुई है। जब हम लोग छत पे चढ़े तो देखे हमारे घर दोनों छत के ऊपर 2 रूम है और 2 रूम नीचे है। दोनों रूम चारों रूम का ताला तोड़ काट करके और चोरी हुई है, जिसमें माला चैन है, 2 चैन है और 4 जोड़ी कान का झुमका है और ये बुझा है, पजे है, हार है, मंगलसूत्र है, टीका है और हमारे पिताजी का NSC था 4 लाख का। अरे नहीं चला तब जल्दी नहीं भोज देखे लगा। कब आपको पता चला? चला ला 4 बजे। यहाँ आप अकेली रहती हैं? हाँ। और लोग कहाँ रहते हैं? वो घर। आपको थोड़ा भी पता नहीं चला आपके घर में कोई घुसा हुआ है? अरे नहीं चला तब जल्दी नहीं या भैंस देखे लगनी, हम कहीं पता चले तो खुट खुट, बाकी हम कहीं कि भैंस ये तुरा होती है। हमीरपुर में सरफा व्यापारी की दुकान में 2 महिलाओं की तरफ से चकमा देकर लाखों रुपए के चेवर चोरी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं सरफा व्यापारी ने महिलाओं के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। ये CCTV फुटेज भी सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 महिलाएं पहुँचती हैं और गहने देखने के बहाने वहाँ से लाखों के जेवरात लेकर फरार हो जाती हैं। ये घटना 26 तारीख के शाम के 4:09 की है। मैं तो बाहर गया हुआ था, रात गया था, मेरी सिस्टर 2 हैं, रिचा और खुशी, वो दोनों दुकान में बैठी हुई थी। 3 लेडीज आई और टॉप्स दिखाने के बहाने कस्टमर बनकर आई, टॉप्स देखने के लिए बोला तो मेरी बहनों ने सोने का जो झोला था वो उठाया, उसमें कुछ बॉक्स पड़े थे सोने के, एक डब्बा था जिसमें कई सारी डब्बियाँ थी जिसमें अलग अलग आइटम पड़े हुए थे, उनको टॉप्स दिखाया, डब्बा साइड में उन्होंने गद्दी में ही खोल के रख लिया। तो 3 लेडीजों में से कुछ बातों में उधाती रही, टॉप्स देखती रही, एक लेडीज बार बार उस डब्बे पर हाथ मारती रही और
एक एक करके तीन बार उन्होंने तीन डब्बियाँ उठाई, उसमें जिसमें से एक डब्बी में सोने के सिंगल कुंडे के पैंडल थे लगभग 25 से 30 पीस, और एक डिब्बी में मंचली वगैरह थी और सोने नथ नाक की बड़ी साइज में, और एक पैंडल की टॉप्स की डब्बी। कन्नौज में कन्या कुब्ज शिक्षा और समाज सेवा समिति ने राजा जयचंद जयंती मनाई। जयचंद के किले में स्थित प्रतिमा पर माला चढ़ाकर जयंती मनाई गई। बता दें कि समिति हर साल शिवरात्रि पर जयचंद सम्मान समारोह का आयोजन करती है। इतिहासकार जयचंद पर लगे गद्दारी के आरोपों को झूठा बताते हैं। हर शिवरात्रि को महाराजा जयचंद की जयंती मनाई जाती थी, इसमें पूरे प्रदेश और देश से इतिहासकार आते थे, जो जयचंद के उज्जवल भविष्य पे चर्चा होती थी, और समिति ने जयचंद को गद्दार साबित करने पर 5 लाख का इनाम भी रखा है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस वर्ष का कार्यक्रम नहीं हो पाया, क्योंकि जो इतिहासकार आते हैं उन्हें हमें बहुत पहले उन्हें निमंत्रण देना पड़ता था, तो वो प्रोग्राम हमारा सेट करते थे। कन्नौज के छिबरा मऊ सौसैया अस्पताल की स्टाफ नर्स सुधा रानी शाक्या की यूक्रेन में फंसी दोनों बेटियां सकुशल भारत लौट आई हैं। दोनों बेटियां यूक्रेन के टर्नोपल में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। दोनों 24 फरवरी से बंकर में मौत के डर से छिपी हुई थी। थोड़ा माहौल शांत होते ही दोनों बहनें साथियों के साथ निजी खर्च से बस बुक कर रोमानिया बॉर्डर पर पहुंची, और 2 दिन के इंतजार के बाद उन्हें अपने देश आने के लिए फ्लाइट मिल सकी। हम टर्नोपिल में ही थे और वहाँ पे एकदम बहुत ज्यादा शांति हो गई थी। हम क्योंकि हमें एक दिन पहले भी हमारे यूनिवर्सिटी से मेल आया था कि सब कुछ स्टेबल है, तो हमें बिल्कुल भी ये आभास नहीं था कि यहाँ पे युद्ध होने वाला। हमें ये लगता था कि सब कुछ ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ वापस आ जाते। वो हमसे कह रहे थे सब कुछ ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके जिस दिन युद्ध की डेट आई थी 16 फरवरी, उस दिन भी हम कॉलेज गए थे, यहाँ तक कि 22 फरवरी को भी हम कॉलेज गए, क्योंकि उन्होंने कहा था सब कुछ सामान्य है, कोई डरने वाली बात नहीं है। हम लोग जब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ 24 फरवरी को, तो हम लोग अपने सिटी टर्नोपिल में ही हॉस्टल्स में थे, जो कि यूक्रेन के वेस्टर्न एरिया में है, पश्चिमी साइड में। वो थोड़ा सा सेफ है, जहां पे कीव में बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ वहां से, वो पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर के पास है जहां पे हम थे, और जो वहां का ईस्ट एरिया है वहां पे, और वेस्ट ईस्ट है वहां पे, बहुत ज्यादा वहीं पे सारे बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुए। तो हम लोग तब भी सेफ एरिया में थे, लेकिन दूसरे दिन 25 फरवरी को वहां पे भी सायरन बजने लगे और हमें इंस्ट्रक्शंस मिलने लगे कि जब भी सायरन बजेगा सारे लाइट्स ऑफ करने और हमें बंकर्स में जाना है। बंकर्स बिल्डिंग के हर एक अंडरग्राउंड में होता है। जब से मुझे पता चला हमारी बेटियां वापस आने वाली हैं, तभी से हम लोगों को बड़ी खुशी है, बड़े हम लोग खुश थे, बस बेटियों का इंतजार कर रहे थे। वो पल कौन सा आए जिस पल में हमारी बेटियां फैमिली से हम लोगों से मिले। कहीं ना कहीं क्या रहे थे, 2 दिन पहले मेरी बेटियों ने 1/35 पे रोमानिया बॉर्डर पे, मेरी बेटी जब टर्न ओपन से रोमानिया बॉर्डर पे आई, तो उन्होंने बोला मम्मी मैं रोमानिया बॉर्डर पे जा रही। हम लोग बहुत खुश थे कि टर्नोपिल छोड़ दिया है, जो बम धमाके वगैरह हो रहे हैं, तो वहां के बारे में पता नहीं था। हम लोग ये सोच रहे थे, मतलब खुश थे कि हमारी बेटी अब चैन से रहेंगी। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र में धोखाधड़ी से कारोबारी के मकान पर लोन लेने वाले आरोपी को नौचंदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बैंक अधिकारियों से सांठगांठ करते हुए धोखाधड़ी करके 3 लाख की रकम दवा कारोबारी के घर से निकाल ली। वहीं देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2010 में मेरे फादर ने एक मकान खरीदा था जिसमें दुकानें थी और पीछे रिहाइश थी। उसमें 2010 से यानी 12 साल हो गया हमारे पास ही है वो, और अभी नवंबर 2021 में बैंक वाले आए, उनके साथ में पुलिस वाले, वो बोले कि जी इस मकान पे तो लोन है। हमने कहा कि जी यहाँ तो कच्ची कॉलोनी है, लोन मिलता भी नहीं, यहाँ पे लोन किसको दे दिया। जब उन्होंने काफ़ी बहस हुई उनसे, तो उन्होंने बताया कि जी आमिर मलिक नाम का आदमी है, उसने लोन लिया इस पर। उसमें उसने क्या काम किया, 2015 में फर्जी रजिस्ट्री ली एक, और फोटोग्राफ और फर्जी हाउस टैक्स, फर्जी अपने फादर का वारिसान बनाया उस पर। इसके वारिस तो हैं 12 इसके फादर के, उसमें जो फर्जी वारिसान है उसमें 5 वारिसान दिखाए, और पंजाब एंड सिंध बैंक दिल्ली रोड की शाखा से 30 लाख का लोन ले लिया, जो बढ़ के करीबन अब 60 लाख रुपये हो रहा है। मेरा एक मकान था,
मैंने 2010 में ख़रीदा था ये, और ख़रीदा ठीक ठाक, मैं रह रहा सह रहा था आराम से, कोई किसी तरह की टेंशन नहीं थी। कुछ दिन बाद मैंने इसे किराए पर उठा दिया, अपना काम भी जोड़ दिया उसमें। लगभग कई साल चलते रहे इस तरह से ही। एंड में आके एक दिन बैंक वाले आए, मुझे जी आपके नाम पर तो लोन है। तो भैया तुमने लोन मुझे किसको दे दिया? मेरा फोटो हो कहीं, मेरे साइन हो कहीं, मेरे घर के हो, बच्चों के हो, किसी के? लोग जी ये तो अदालत बताएगी। प्रतापगढ़ के देलूपुर निवासी अनिल सिंह की बेटी निशी सिंह भी यूक्रेन में मेडिकल की छात्रा थी। 26 तारीख को वहां की गंभीर स्थिति देख निशी सिंह अपनी सहपाठी के साथ 8 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हुए रोमानिया बॉर्डर पहुंची। वहां से भारतीय विमान में उनको भारत वापस लाया गया, जिसके बाद उनके परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई और परिजनों ने भारत सरकार का आभार भी जताया है। इवानोव की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मैं वहाँ से निकली इवानोव से, बस पकड़ा इवानोव से, उसके बाद मैं रोमानिया बॉर्डर पे पहुँची। वहाँ पे इतनी ज़्यादा, कम से कम 2000 बच्चे थे वहाँ पे रोमानिया बॉर्डर पे, और उस भीड़ में मैं भी थी। उस भीड़ से निकलने के लिए हम लोग चिल्ला रहे थे, बॉर्डर खुल नहीं रहा था। फिर वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि यूक्रेनियन को अंदर ले लिया जा रहा था, लेकिन इंडियंस को अंदर नहीं लिया जा रहा था। फिर वहाँ पे गन्स भी चलाई गई, शॉर्ट फायर भी हुआ। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, हमें कैसे भी करके एंट्री मिल गई। मऊ के थाना रानीपुर क्षेत्र में महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर से दर्शन करके आ रही श्रद्धालुओं से भारी पिकअप वैन जो है वो पलट गई। पिकअप में कम से कम 25 से 30 श्रद्धालु सवार थे। वह इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। आगरा की तहसील बाढ़ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ धाम बटेश्वर में महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां दूर दराज से लोग भगवान भोले के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दिया। अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने लाखों के जेवरात सहित नकदी की चोरी कर ली। वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज की है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, चोरों की तलाश की जा रही है। कितने का जेवरात गई आपके? कितने का लमसम? 3 लाख। नकदी भी गया कुछ? पैसा रुपया भी? हाँ, पैसा रुपया रहा भैया। देवरिया के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम प्रवेश यादव ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल देश को बांटने का काम करती है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की सरकार बनते देख बौखला गए हैं, इसलिए पूरे प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है विश्व की सबसे झूठी पार्टी है, और उनका ये कहीं 2 पॉइंट बचा है पूरे जब से चुनाव उत्तर प्रदेश का शुरू हुआ है। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, आतंकवाद, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। वो अपने काम को नहीं बताएंगे कि देश की सरकार ने क्या किया, प्रदेश की सरकार ने क्या किया, इस पर वो कभी चर्चा नहीं करेंगे। वो एक समुदाय को, एक धर्म समुदाय को आतंकवादी घोषित कर दिए हैं और एक जाति समूह को माफिया और गुंडा बनाते हैं। हाथरस के जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के गांव रमनंगला में महाशिवरात्रि पर पूजा के लिए लाया गया बेलपत्र का फल अचानक धमाके के साथ फट गया, जिसमें एक युवती बुरी तरह से झुलसकर घायल हो गई। घायल हुई युवती को परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने घायल युवती को भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया है। बच्चों ने बेलपत्र काट दिया था चूल्हे में, तो ये पोता पूजने के लिए गई थी, वो बेलपत्र फट गया था। अच्छा अच्छा, जो पूजा करने के लिए जो होता है? नहीं, हाँ, जो पूजा करते हैं वही बेलपत्र। कहाँ की बात है ये? गाँव रामनगला की।
कन्नौज के सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर में दर्शन को लेकर दबंगों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की। मौके पर मौजूदा पुलिसकर्मियों ने हाथ जोड़कर बीच बचाव कराने की कोशिश की, लेकिन दबंग पिटाई करते रहे। पुलिस ने किसी तरह पीड़ित को दबंगों से बचाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। वह युवक ने चार लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। आज मैं अपने परिवार को लेकर मंदिर गया था बाबा गौरीशंकर दर्शन करने। वहाँ देखा जब लोग बाहर निकले, सेकंड गेट से बाहर निकलते समय वहाँ के कुछ कमेटी के कुछ लोग खड़े थे, तो वो बदतमीजी कर रहे थे। मैंने उनसे बड़ा हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा ये तो मेरा परिवार है, इनसे क्या बात है, कोई बात है क्या? तो मैंने दोबारा जब उनके हाथ जोड़े तो उनमें से एक व्यक्ति उठा और उलझ गया, गाली वाली देने लगे। तो मैंने कहा गाली क्यों दे रहे हो? तो सबको चार पाँच लोगों मिलकर मारने लगे। वहाँ सब वीडियो बच्चों ने भी रिकॉर्ड किया है, वहाँ कैमरे में रिकॉर्डिंग है। फिर मुझे लगा कि ज़्यादा अगर मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, जब मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, तो अन्य लोग साथ कैसे करते होंगे। फिर मैंने कहा एक मुकदमा लिखाया जाए। गौरीशंकर मंदिर में तो वहाँ पर बहुत भी लगा है, क्या मौके पर दो लोग पुलिस के थे, उन्होंने मुझे पकड़ के किनारे किया। जब उन्होंने पकड़ के किनारे किया, शायद उनको भी एक हाथ लगा है उस वीडियो में, और जब उन्होंने मुझे पकड़ के लाया तो मैंने उन्हें बताया, तो वो मुझे बेचारे बचाने खुद लगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।